हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी मसाला 24 में। सो गाइस, हमने भी निखिल भाई की स्पाई फिल्म देख डाली है और फिल्म देख के ना हमें पठान की याद आ गई, क्योंकि वो भी एक रॉ एजेंट की कहानी थी और ये भी एक रॉ एजेंट की कहानी है। हाँ, लेकिन पठान का बजट काफी ज्यादा था और इस फिल्म को 20 से 30 करोड़ के बीच में ही लपेटा गया है। कहानी भले ही आपको पठान जैसी लगेगी, लेकिन गुरु पिक्चर में कमाल का ट्विस्ट डाला गया है जो आपको कुर्सी से उठने नहीं देगा। सो कार्तिकेय 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद सबके दिलों में राज करने वाले निखिल भाई की स्पाई फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म है जिसे पब्लिक काफी पसंद कर रही है। पिक्चर में निखिल भाई की परफॉर्मेंस और पिक्चर के एक्शन सीन और बैकग्राउंड म्यूजिक की काफी तारीफ भी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि 20 से 30 करोड़ के बजट पर बनी फिल्म 600 करोड़ के बजट वाली फिल्म आदि पुरुष पर भारी है। खैर, जहां स्पाई फिल्म की इतनी चर्चा हो रही है तो चलो हम भी अपना रिव्यू दे ही देते हैं कि मुझे ये स्पाई फिल्म कैसी लगी। तो गुरु, पिक्चर की कहानी शुरू होती है एक मिशन से, जहां कुछ इंडियन रॉ एजेंट देश के सबसे बड़े आतंकवादी खादिर को पकड़ने जाते हैं और वो उसे मार भी देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद इंडियन गवर्नमेंट को एक वीडियो क्लिप मिलती है जिसमें खादिर जिंदा होता है। तब सब हैरान हो जाते हैं कि भला ये कैसे हो सकता है, ये तो मर चुका था। तभी इंडियन गवर्नमेंट दोबारा से खादिर को पकड़ने के लिए एक रॉ एजेंट की टीम बनाते हैं, जहां पर जय यानी निखिल भाई को भी बुलाया जाता है। जय का एक भाई था सुभाष, जो एक रॉ एजेंट था, जिसे एक मिशन के दौरान मार दिया जाता है। और पिक्चर में सुभाष चंद्र बोस का एक छोटा सा ट्विस्ट डाला गया है जिसे देखकर मजा आता है कि सुभाष चंद्र बोस का वो सीक्रेट ठिकाना जहां मिसाइल्स को करा जा सकता था। सुजय को मिशन को लीड करने का जुम्मा दे दिया जाता है और उन्हें मिशन पर भेज दिया जाता है। अब जय को एक तरफ अपने भाई की मौत का बदला भी लेना है और एक तरफ इंडिया में होने वाले न्यूक्लियर अटैक को भी रोकना है और खादिर को भी पकड़ना है। लेकिन क्या जयवर्धन इस मिशन को पूरा कर पाता है या नहीं, इसके लिए आपको पिक्चर को तो देखना होगा और तभी मजा भी आएगा। देखो, अब बात करते हैं कि फिल्म कैसी थी, उनके एक्टिंग के बारे में और कहां फिल्म पटरी से नीचे उतरती नजर आती है। तो गुरु, पिक्चर को डायरेक्ट किया है मिस्टर गौरी बीएच ने, जो गाजी और छनम जैसी पिक्चर पर काम कर चुके हैं और स्पाई फिल्म को भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया है। और पिक्चर में इनका डायरेक्शन कमाल का नजर आता है। हाँ, लेकिन पिक्चर में कुछ सीन्स टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी पिक्चर की सबसे अच्छी बात यह है कि फिल्म में कोई गाना नहीं है और ना ही कोई लव स्टोरी है तो बस एक मिशन और कुछ रॉ एजेंट्स। पिक्चर में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सबने अपना 100% है, इसमें कोई शक नहीं है, सबका परफॉर्मेंस लेवल टॉप पर है। हाँ, लेकिन पिक्चर का म्यूजिक मुझे थोड़ा थोड़ा पठान के जैसा लग रहा था। बाकी फिल्म में एक्शन सीन कमाल के हैं और यार, स्पाई फिल्मों में एक्शन सीन का ही तो मजा है और वही मजा ये स्पाई फिल्म भी दे रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो स्पाई फिल्म सस्ते बजट पर बड़े धमाके वाली फिल्म है। और बाकी लैंग्वेज का तो पता नहीं, लेकिन हिंदी में ये फिल्म काफी जबरदस्त है, आपको जरूर देखना चाहिए। सो कार्तिकेय 2 के बाद निखिल भाई ने स्पाई फिल्म में धमाका मचा ही दिया। फिल्म ने अब तक 13 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। स्पाई के बाद अब इंतजार है निखिल भाई की फिल्म कार्तिकेय 2 का सीक्वल कार्तिकेय 3 का। पिक्चर का अनाउंसमेंट तो हो गया है, अब देखते हैं फिल्म कब तक आती है। सो स्पाई फिल्म आपको कैसी लगे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही फिल्मों के रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल मूवी मसाला 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।